सनसनी ऑफ इंडिया। घर के गार्ड से लव मैरिज करने के बाद बेटी और बाप के रिश्ते में ऐसी दरार आई कि दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। नाक की लड़ाई में नतीजा यह निकला कि जिस गार्ड के साथ भागकर बेटी ने शादी की थी, उसी गार्ड ने अपने बाप और कुछ साथियों के साथ मिलकर लड़की के पिता की हत्या की साजिश रच डाली। नाक व वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दिनांक 30 मई को रांची में एक मॉल के सामने लड़की के पिता जमीनी कारोबारी कमल भूषण की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करके फरार दिल्ली में आकर छुपे चार खतरनाक बदमाशों को झारखंड पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज की टीम ने दिल्ली के गाजीपुर इलाके से दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 22 वर्षीय राहुल कुजूट, 47 वर्षीय डब्लू कुजूट, 26 वर्षीय काविश अदमान व 23 वर्षीय मुनव्वर रफाक के रूप में हुई है। सभी झारखंड के रहने वाले हैं। डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक दिनांक 30 मई 2022 को झारखंड रांची में सुखदेव नगर इलाके के गैलेक्सी मॉल रातू रोड के पास कुछ बदमाश दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या करके मौके से फरार हो गए थे। झारखंड पुलिस को इनपुट मिला था कि बदमाश वारदात को अंजाम देकर दिल्ली में कहीं जाकर छुप गए हैं। दिल्ली में छुपे बदमाशों को दबोचने का काम स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हूण व इंस्पेक्टर करमवीर की टीम को सौंपा गया। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने रांची एसआईटी के साथ मिलकर बदमाशों को दबोचने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया, किंतु रांची पुलिस के पास न तो बदमाशों का कोई मोबाइल नंबर था, न ही यह पता था कि दिल्ली के किस इलाके में छुपे हुए हैं। लेकिन रांची पुलिस इस बात के लिए जरूर श्योर थी कि बदमाश दिल्ली में ही कहीं आकर छुप गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे घनी आबादी भरे शहर से बदमाशों को खोजना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन स्पेशल सेल टीम पीछे नहीं हटी और पूरी दिल्ली में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। लेकिन मुखबिरों को एक्टिव करने के बाद भी टीम के हाथ कुछ न लगा। अब बदमाशों को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर शिव कुमार ने दूसरा रास्ता अपनाया। टीम अब खबरियों की दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। बदमाशों को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर शिव कुमार ने पुराने तरीके को अपनाया, जैसे किराएदार का वेरिफिकेशन और इस शहर में आने वाले नए लोगों की जांच करना। इंस्पेक्टर शिव कुमार यह अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के डिवीजन और सब डिवीजन होते हैं, जिन्हें आगे बीटस में बांटा जाता है। एक कांस्टेबल को एक बीट मिलती है और कांस्टेबल जिम्मेवारी होती है कि वो अपने इलाके के हर इंसान की पूरी जानकारी रखे। इंस्पेक्टर शिव कुमार ने दिल्ली के चप्पे चप्पे को छानने के लिए बीटस कांस्टेबलों की मदद ली। टीम ने बड़े स्तर पर सस्पेक्ट इलाकों में घर घर जाकर किराएदार वेरिफिकेशन व शहर में नए आने वाले लोगों का सर्च अभियान चलाया, लेकिन टीम की बदनसीबी उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बदमाशों तक पहुँचने का उनका हर तरीका नाकाम हो रहा था। दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर से बदमाशों को खोजने के लिए इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम को कुछ अलग से हटकर सोचना पड़ा। रांची पुलिस को बदमाशों का दिल्ली में होने का 3 जून को इनपुट मिला था। इसी को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने दिल्ली से रांची और रांची से दिल्ली आने वाली सभी कॉल को स्कैन किया। टीम ने जांच में पाया कि पिछले 2-4 दिन में दिल्ली के गाजीपुर इलाके से झारखंड रांची के सुखदेव नगर में कुछ कॉल की गई हैं। बदमाशों ने झारखंड रांची के सुखदेव नगर इलाके में ही वारदात को अंजाम दिया था। इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम को समझते देर नहीं लगी कि बदमाश गाजीपुर इलाके में कहीं छुपे हुए हैं। बदमाशों के छुपने का इलाका कंफर्म होते ही टीम ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। काफी वक्त के बाद आखिर पुलिस को मुखबिर से एक बड़ी खबर मिली। मुखबिर ने इलाके में कुछ सस्पेक्ट लोगों को देखा था जो देर रात को आते जाते थे। उसने यह भी बताया कि वो आने जाने के लिए एक खास रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं। इंस्पेक्टर शिव कुमार और उनकी टीम ने फैसला किया कि उन्हें घेर कर पकड़ेंगे। दिनांक 3 और 4 जून की मध्यरात्रि में टीम ने मुखबिर के बताए पते पर छापेमारी कर चार फरार आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 22 वर्षीय राहुल कुजूर पुत्र डब्लू कुजूर, 47 वर्षीय डब्लू कुजूर पुत्र स्वर्गीय बंधन कुजूर, 26 वर्षीय काविश अदमान पुत्र खुर्शीद आलम व 23 वर्षीय मुनव्वर अफाक पुत्र अफाक अहमद के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों ने दिनांक 30 मई 2022 को झारखंड रांची के सुखदेव नगर इलाके में जमीन कारोबारी कमल भूषण की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल कर ली। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मृतक जमीन कारोबारी कमल भूषण के घर आरोपी राहुल कुजूर गार्ड की नौकरी करता था। आरोपी राहुल कुजूर के पिता आरोपी डब्लू कुजूर और मृतक कमल भूषण अच्छे दोस्त थे, लेकिन घर के गार्ड राहुल कुजूर से लव मैरिज करने के बाद बेटी और बाप के रिश्ते में दरार पड़ गई थी। इसी साल फरवरी में राहुल कुजूर पर फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसमें राहुल कुजूर के पैर में चोट लग गई थी।
राहुल कुजूर के परिवार वालों ने इस हमले के लिए कमल भूषण को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन पुलिस ने जांच में कमल भूषण को क्लीन चीट दे दी थी। कमल भूषण को क्लीन चीट मिलने की वजह से राहुल विचलित था, इस वजह से उसने हत्या की साजिश रच डाली। आरोपियों ने बताया कि प्लानिंग के अनुसार 30 मई को रांची के गैलेक्सी मॉल रातू रोड के पास चारों ने दिन दहाड़े कमल भूषण की कार पर उस समय ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी जब वह अपने ड्राइवर और अंगरक्षक के साथ कार में बैठकर बात कर रहा था। कमल भूषण को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। कमल भूषण को 5 गोलियां लगी थी जिससे उसने कार में ही दम तोड़ दिया था। आरोपियों ने आगे यह भी बताया कि वे अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हत्या करने के तुरंत बाद कलकत्ता भाग गए थे और उसके बाद 3 जून को दिल्ली आ गए थे। 4 बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद अब हत्या का मामला सुलझ गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।